बहुत जान है पाटली में, बहुत दमदार सभा है। अभी अभी आज के उम्मीदवार और कल के अवश्य भावी विजयी उम्मीदवार धीरेन्द्र यादव जी कह रहे थे कि मॉडल टाउन में ये है, शालीमार बाग में ये है, बादली में क्या है। मैं कहना चाहूंगा बादली में बहुत जान है, बहुत लोग है। इतनी सभाएं हमने की हैं और देश में जगह जगह, अभी अभी हाल में ही झारखंड की कितनी सभाएं की, महाराष्ट्र में की, यहाँ दिल्ली में कई सभाएं की, लेकिन ये बादली की सभा मुझे याद रह जाएगी। इतना बढ़िया यहाँ पे अनुशासन देखा, इतना अच्छा रूप देखा, इतनी जवानी देखी, इतने जवान देखे, इतने जोशीले इंसान देखे यहाँ पे। उत्साह है लेकिन साथ में अनुशासन भी है। बादली को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है, और खासकर जब आपके साथ आपके अपने अपने भाई अपना नेतृत्व कर रहे हैं आप लोगों का, धीरेन्द्र यादव जी साथ हो तो कोई नहीं रोक सकता है इस बारे में। मैं धीरेन्द्र यादव जी की सारी बातों से सहमत हूँ, जो इन्होंने कहा है बहुत बढ़िया से अपने अनुभव के आधार पे, रिसर्च के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कहा है, और मैं उनसे सहमत हूँ। और मैं देख रहा हूं या देख रहा था कि सिर्फ मैं ही सहमत नहीं हूं, आप तमाम लोग सहमत हैं इनकी बातों से। और जब इनकी बातों से सहमत हैं तो मुझे वो याद आ रहा था कि जब बदलाव की घड़ी आती है, परिवर्तन की घड़ी आती है, और जब घर की महिलाएं, बुजुर्ग, युवा शक्ति सब एक साथ निकल आते हैं तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वो कहते हैं कि दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है मौत झुककर सलाम करती है। आप कर सकते हैं, आपने किया है और इस बार भी करेंगे। लारे लप्पों की बातों में नहीं आएंगे, ये लॉलीपॉप की पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे आप। ये जो चारों तरफ चल रहा है, मैं किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, मेरी आदत ही नहीं है, मेरा स्वभाव ही नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलूं। मैं मुद्दों पे बात करता हूं, मैं हमारे विषय पे बात करता हूं, विषय की गहराई पे जाता हूं। अभी मैं अपने घर की इतनी महिलाओं को देख रहा था और मैं सोच रहा था कि देवेंद्र यादव जी ने अपने भाषण के दौरान नोटबंदी का जिक्र किया था, और जाहिर है कि नोटबंदी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये शुरुआत चाहे आप शाहीन बाग देख रहे हैं, चाहे सीए के खिलाफ आप जो प्रस्ताव देख रहे हैं जगह जगह राज्यसभाओं में, जो राज्य में हुए हैं, या इतने लोगों की बगावत जो देख रहे हैं आज, तमाम लोगों को संविधान के साथ खड़ा देख रहे हैं आप, और ये जो एनआरसी हो, जो अनार्की पैदा कर रही है उसका भय, या आपके सामने जो एनपीआर हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हालांकि आपके पास सेंसस है पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी सामने लाया जा रहा है, और आपका सीएए, ये सब जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई है? ये आज की शुरुआत नहीं है, ये मुद्दों से भटकाने की प्रक्रिया, मुद्दों से भटकाने का स्वभाव जो हमने देखा हाकिमों में, बड़े लोगों में, अपने दोस्तों में, जो आज सत्ताधारी हैं या सत्ता के हरूर में, सत्ता के अहंकार में जो चूर हैं, आप जरा सोचो, नोटबंदी में बहुत बातें हुई। मैं समझता हूं बादली के लोगों को भी, इस क्षेत्र के लोगों को भी बहुत तकलीफ हुई होगी, कितने युवा और बेरोजगार हो गए। जब नोटबंदी हुई अचानक रातों रात एक तुगलकी फरमान आया, कैसे छोटे छोटे दुकानों पे क्या गुजरी, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बाहर से नौकरी करने आए थे वो फिर से यहाँ घर द्वार की तरफ
नौकरी तो मिली नहीं, रही नहीं, वो चले गए। बिजनेस पे, हर घर पे इतना प्रभाव पड़ा नोटबंदी का कि आज तक लोग उससे निकल नहीं पाए, त्राहिमाम स्थिति हो गई। अपने पैसों को निकालने के लिए सड़कों पे आके, बैंकों में आके, एटीएम के सामने खड़े हो गए, रो रहे, सुसाइड कर रहे, जैसे हमारे किसानों की सुसाइड हुई, किसान परिवार की। वही सिलसिला वहां भी शुरू हुआ, तबाह हो गए लोग। लेकिन एक चीज पे ध्यान कम गया जिस पर मैं जिक्र कर रहा था, जो आप लोगों को देख रहा था, खासकर अपने घर की महिलाओं को देख रहा था, तो मुझे वो याद आ रहा था कि सबसे ज्यादा चोट, सबसे ज्यादा तकलीफ किसे पहुंची? अपने घर की महिलाओं को, हमारे घर की माताओं ने, बहनों ने, बहुओं ने, अपने पिता से भी छुपाकर, अपने पति से भी छुपाकर, मगर अच्छी नीयत से, उन्हीं के दवा दारू के लिए, घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, महीनों महीनों, सालों साल जो पैसे तैयार लिए, ये आलमीरे के पीछे छुपा कर रखा था। एक ही रात, एक ही तुगलक की फरमान, नोटबंदी से सारे पैसे उनके हवा हवा ही हो गए। हमारे घर की महिलाओं की झुकी है, इसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, इसका जिक्र होना चाहिए, उनके शोषकों को सामने लाना चाहिए। पूरा परिवार एकदम हिल गया और कह दिया, पूरा परिवार और कह दिया, अच्छा ये वो बड़ी अभी हम इससे उभर ही नहीं पाए थे कि नीट कनाडा कर दिया नोटबंदी के बाद, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी। आज तक 400 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। पहले तो उसमें बैंकों का कुछ फायदा हुआ होगा और शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फायदा हुआ होगा, अब तो वो भी हो रहे हैं। जीएसटी क्या है, कैसे देना है, कितनी बार देना है, उसके नीचे क्या भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, कैसे लोग तबाह हो रहे हैं, वो अब किसी से छुपा नहीं रहे। नोटबंदी, नोटबंदी का जीएसटी, ध्यान भटकाते भटकाते उसके बाद आधे अधूरे में किया धारा 370, उसके बाद आधे अधूरे ट्रिपल तलाक बिल, फिर वो राम मंदिर, अब तो खैर कोर्ट के तहत हो रहा है, लेकिन वो भी राम मंदिर को जिस तरह से आगे बढ़ाने की अचानक चुनाव का ध्यान रख के कोशिश की गई, जो शायद नहीं फला, लेकिन ध्यान भटकाने की कोशिश करते 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 अभी लगा कि देश जनता एक गुट और एकजुट है, इन लारे लप्पों में, इन लॉलीपॉप में अब नहीं फंस रही है, तो फिर शुरू कर दिया ACA, NRC, NPR, और उसमें देश को बांटने की प्रक्रिया, विभाजन कर रहे हैं, धर्म के नाम पे भाइयों में लड़ाई लगवाने की कोशिश की जा रही, चुनाव के लिए खासकर चारों तरफ लोग परेशान है। हमारे घर की महिलाएं, हर धर्म की, हर की, हर जात की, हर जाति की, वहां पे 50 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, त्राहिमाम स्थिति में न्याय की पुकार कर रही है, एकता की पुकार कर रही है, खुशहाली के लिए तड़प रही है, सद्भावना और भाईचारा के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन लोग जाकर उनसे मिल नहीं रहे। एक वजह यह भी है कि धर्म के नाम पे जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो दो परिवार में लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि चुनाव है, चुनाव की घड़ी सामने है, लोग समझ चुके हैं, अब आप लोग तैयार हैं, देश की जनता संविधान के साथ है, देश की जनता हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन देश की जनता NRC के साथ नहीं है, CAA के साथ नहीं है, NPR के साथ नहीं। यही जिक्र हमारे देवेंद्र यादव जी भी कर रहे थे, और जगह में जा रहा हूं, यही बातें चल रही है। अभी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, नारे दे देते हैं, सबका
सबका साथ सबका विकास का विश्वास। मैं इस वक्त तो देख रहा हूं, अगर सही मानों में किसी को सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल है तो देवेंद्र यादव हैं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हासिल सही मानों। इसलिए मौका चूकने ना पाए, ये पंचायत की घड़ी है। मैं इस वक्त यहाँ चाहता तो नहीं भी आ सकता था, मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। एक सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी के तहत आपके भाई के नाते आपके सामने खड़ा हूँ और आपके भाई के आपके परिवार के सदस्य के नाते आपके सामने खड़ा हूँ। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को माने, मेरी बातों को मानना कतई जरूरी नहीं है। मेरी बातों को सिर्फ आप गौर से सुन लें, लोकतंत्र का तकाजा है, लोकतंत्र का तकाजा है आप सबको सुनते हैं, अपने भाई की भी सुन लें। सुनने के बाद अगर आपको लगता है मेरी बातों में सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है, छल कपट नहीं है, मैं आम नेताओं की तरह बात नहीं करता हूं, तब तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मौके की इस नजाकत को समझते हुए चुनाव बनाम चुनौती की इस घड़ी में ना आप सिर्फ देवेंद्र यादव जी को बहुमत से विजयी बनाएंगे बल्कि देवेंद्र यादव जी को बहुमत से विजयी बनाते हुए आज की इस घड़ी में अपने क्षेत्र को और कल पूरे प्रदेश को और आगे चल के पूरे देश को एक नई और सही दिशा देने का शुभारंभ करेंगे। मैं इसी अपील के साथ आया हूं। हमारे साथ स्टेज पे आज बड़े अच्छे अच्छे कद्दावर, बड़े अच्छे अच्छे गुणी ज्ञानी लोग बैठे हैं। हमारी बहनें भी आई हैं जो आके शामिल हुई हैं, हमारे राजस्थान के मंत्रीगण भी आए हुए हैं, इसमें राजकुमार जी जिनको आपने देखा है, दूसरे मंत्री जी भी हैं अभी हमारे साथ बैठे, क्या नाम उनका, गोविंद जी राजेंद्र जी बैठे हुए हैं। ये लोग आए हैं, ये लोग यहाँ साँची पुकार को समझते हुए